राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में कोरशेरा कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा 3 दिवसीय दृश्य कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा के निदेशक डॉक्टर अमरजीत द्वारा किया गया। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा के निदेशक डॉक्टर अमरजीत के शर्मा ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी से बच्चों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, साथ ही बच्चे अपने हुनर को निखार कर एक सफल भविष्य की शुरुआत इस तरह की प्रदर्शनी से कर सकेंगे। ये हमारे हिमाचल प्रदेश के एक इकलौता कॉलेज है, हमारा फाइन आर्ट्स कॉलेज शिमला में है, कोटशेरा शिमला में। इनके स्टूडेंट्स, इनके स्टाफ मेंबर्स और प्रिंसिपल, इनके द्वारा ये लगाई गई है एग्जीबिशन। और जो पूरे का पूरा जो आर्ट वर्क है, पेंटिंग्स हैं या दूसरी तरह का आर्ट वर्क है, ये बिल्कुल इनके अपने द्वारा और रिसेंटली शायद 3-4 महीने में क्रिएट किया गया सारे का सारा काम, इन बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स और जो भी काम किया गया है इनके अपने आप बना करके यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं ये मानता हूँ कि जब तक कला को आगे प्रदर्शित नहीं किया जाए तब तक उसको वो आयाम उपलब्ध नहीं होते जिसके लिए एक कलाकार इतनी मेहनत करता है। और कला केवल एक, मैं कहता हूँ कि पेंटिंग नहीं है, ये कलाकार की अपनी सोच भी है। वो आपको एक कंटेम्प्रेरी मीन्स आपको हो सकता है कि आजकल के वातावरण के बारे में भी बताएं या भविष्य के बारे में भी बताएं या आज तक जो सीखा है उस सब को भी बताएं। एक बहुत ही ज़रूरी है कि इस कला को प्रदर्शित करना। और मैं समझता हूँ कि अब शिमला क्योंकि एक बहुत अच्छा शहर है, कला प्रेमी शहर है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिमला के लोग यहाँ विज़िट करेंगे और हमारे जो नौजवान कलाकार, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनको प्रेरित करने वाले बहुत ही लर्नर्ड इनकी फैकल्टी है। इनके हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मीना, ये सब लोगों को बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगी जब सब लोग इनको देखेंगे और ये पाएंगे कि ये कलाकार आने वाले समय में अपना नाम ना केवल ऐसे अपने जिला में या मैं कहूँ अपने प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपना नाम ये बनाएंगे, जिससे हमारे प्रदेश का भी, हमारे शिक्षा विभाग का भी और सही में इनके कॉलेज का भी अपना नाम ऊँचा होगा। वहीं कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर मीना शर्मा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया कि बच्चों को इस तरह की गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनके हुनर को लोगों के सामने लाने का कॉलेज द्वारा पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉलेज द्वारा भविष्य में भी इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता रहेगा ताकि बच्चे हर तरह की गतिविधियों में अव्वल स्थान हासिल करें। ये प्रदर्शनी हमारी जो विजुअल आर्ट फैकल्टी है वो हमने लगाई है, जिसमें पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट और स्कल्पचर का जो हमारी फैकल्टीज़ हैं उनका सारा जो बच्चों का वर्क है वो हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है ताकि शहर के लोगों को या बाहर के लोगों को, जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, उनको पता चले कि यहाँ पर एक फाइन आर्ट कॉलेज है, हिमाचल का एकमात्र कॉलेज है और उसमें इस तरह का बैचलर डिग्री जो है वो चलाई जाती है, जिसमें बैचलर डिग्री फाइन आर्ट्स जो है वो हमारे यहाँ पर चलता है, जिसमें दो सेक्शन है हमारे, परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट। तो विजुअल आर्ट की ये प्रदर्शनी है जिसमें, जैसा मैंने आपको बताया कि अप्लाइड आर्ट का वर्क भी है यहाँ पर और पेंटिंग्स जो हैं वो भी यहाँ पर है और साथ में स्कल्पचर का जो वर्क है वो भी हमने प्रदर्शित किया है। इस एग्जीबिशन में क्या कुछ खास लोगों को देखने को मिला? कितने दिन की एग्जीबिशन है? ये 3 दिन की एग्जीबिशन है और इसका पर्पस या मकसद एक ही है कि हमारे बच्चे जो नवोदित कलाकार हैं उनकी कला को लोग देखें कि यहाँ पर इस तरह के कलाकार भी हैं और इस तरह का भी काम होता है और बच्चों को एक पहचान मिले। जब लोग उनका काम देखेंगे, उनका एड्रेस पूछेंगे तो उनको काम भी मिलेगा। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अर्न वाई लर्न भी चल रहा है, जिसमें अगर बच्चों को प्राइवेटली भी काम मिलता है तो वो अपनी पेंटिंग्स बना सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं और कॉलेज में जो प्रैक्टिकली हम लोग काम कराते हैं उस काम को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं कि टीचर्स इस तरह का काम जो है वो बच्चों से ले रहे हैं और भी लोगों का इंटरेस्ट जो है इसमें जनरेट हो, ये हमारा मकसद है इसे लगाने का। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।